हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमरहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जहां एक तरफ वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी का कहना है कि वो वेस्ट बंगाल में कभी भी एनआरसी लागू हो नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के लोग अपने दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करने में बिजी है। तो किन के कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। इस अपडेट के बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। और उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे नए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए। तो चलिए इस बारे में पूरा अपडेट जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी की सुगबुगाहट तेज, सरकारी दफ्तरों के बाहर लोगों की भारी भीड़। पूरा देखते रहिए, इस अपडेट में बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताया गया है। ये देखिए, एनआरसी लागू होने की आशंका के कारण कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्से में सैकड़ों लोग मंगलवार को अपना जन्म प्रमाण पत्र और ज़रूरी दस्तावेज एकत्र करने के लिए सरकारी और निगम कार्यालय में जुटे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सरकार कह चुकी है कि वो उसकी अनुमति नहीं देगी। इसी वजह भी देखिए, भाजपा शासित असम में अंतिम एनआरसी सूची से बड़ी हिंदू बंगालियों के नाम बाहर रह जाने के कारण लोगों के बीच दहशत फैल गई है और राज्य में अब तक 6 मौत हो चुकी है। शहर में कलकत्ता नगर निगम मुख्यालय और अन्य संभागीय कार्यालय तथा राज्य के अन्य हिस्सों में वीडियो कार्यालय के बाहर लंबी लंबी कतारों में लोग भूमि और अन्य जरूरी दस्तावेज निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ये भी देखिए, KMC मुख्यालय के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे 75 वर्षीय अजीर ने कहा, मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए KMC कार्यालय आया हूँ क्योंकि बहुत पहले मैंने इसे खो दिया था। मैंने सुना है कि बंगाल में NRC लागू होने की स्थिति में इस देश का नागरिक साबित करने के लिए हमें अपना जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। KMC के भूमि अभिलेख विभाग के बाहर 55 वर्षीय विमल मंडल जमीन के कागजात निकालने आए थे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न सरकारी और पंचायत कार्यालय के बाहर कोई भी ये स्थिति है। तो फ्रेंड्स, यही पूरा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। और कुछ अपडेट अगर आपका पढ़ना है या पढ़ सकते हो तो मेन जो न्यूज़ है, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि बहुत सारे लोग अपने दस्तावेज को ठीक करने के लिए बिजी है, लेकिन जहां एक तरफ वेस्ट बंगाल का CM ममता बनर्जी जी का कहना है कि वेस्ट बंगाल में कभी भी NRC को लागू नहीं होने देंगे, लेकिन लोगों के मन में डर बह चुकी है इसलिए लोग अपने दस्तावेज को ठीक करने के लिए बिजी है। तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में NRC लागू होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। तो मिलता है अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।